एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल में वर्ष 2022-23 में कैसे स्टूडेंट का डेटा हम भरें, उसे कैसे अपडेट करें और इसके साथ साथ कुछ जो नई जानकारी है उसको भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। अब सबसे पहले यूडाइस प्लस को ओपन करेंगे, उसके एड्रेस को, और उसके बाद जो यूडाइस प्लस का इंटरफेस आएगा यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन को यहाँ पे चुनेंगे। तो स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन चुनने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे लॉगिन आ रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कैप्चर कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस कैप्चर कोड को यहाँ पर इंटर करें। जैसे आप कैप्चर कोड को इंटर करेंगे तो एक नया प्रोफाइल यहाँ पे खुलेगा, नया इंटरफेस। तो उसको आप यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ क्लास के सेक्शन यहाँ पे बना रखे हैं, कुछ क्लास हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। अभी हमारे को और भी क्लास एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पे बैक जाएंगे, यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट को ऑप्शन को चुनेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमने अभी कुछ क्लास बनाई है, 6th, 7th, 8th और 9th। अब इसमें आपको सबसे पहले डेटा एंट्री करने से पहले आपको क्लास बनानी होगी और उसमें सेक्शन डिफाइन करने होंगे। अगर आपके स्कूल में दो सेक्शन है तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, या तीन है तो तीन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कैसे इन क्लास के सेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 10th का हमने एक सेक्शन बनाया, इसको डिफॉल्ट वो ए ले लेगा। पहला एक आप जो भी सेक्शन ना भी बनाओ तो भी वो ए ले लेगा। अब आप चाहेंगे कि आपकी क्लास में 10th में दो सेक्शन है तो उसे कैसे बनाए, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप पर जाएंगे हम, ऑप्शन को खोलेंगे दोबारा, ऊपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास करेंगे और 10th ऑप्शन को ले लेंगे और यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे हिंदी और ऐड सेक्शन करेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10th क्लास के दो सेक्शन बन गए, ए और बी। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम और सेक्शन बनाते हैं और क्लास का, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 11th क्लास। तो आपने देखा 11th क्लास के भी दो सेक्शन होते हैं, आर्ट्स और साइंस, तो यहाँ पे हम फिर हिंदी ले लेंगे। अगर इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश ले लीजिए, अगर हिंदी में पढ़ा रहे तो हिंदी। तो यहाँ डिफॉल्ट ए सेक्शन ले लिया है, अब हम इसमें एक और सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फिर हम सेल्फ क्लासेस में जाएंगे और हमने दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पे हिंदी ले लिया और ऐड सेक्शन कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसके भी हमारे दो सेक्शन बन गए 11th क्लास के। इसी प्रकार हम 12th क्लास के भी दो सेक्शन बनाएंगे। तो हम 12th क्लास में गए, यहाँ पे जाके हमने फिर सेलेक्ट किया हिंदी और ऐड सेक्शन किया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद हम एक और सेक्शन इस पर बनाएंगे 12th क्लास में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चुनने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारे 12th में भी दो सेक्शन यहाँ पर बन गए हैं। इस प्रकार हमने पूरे अपने स्कूल के पहले सबसे पहले पूरी क्लास डिफाइन कर दी और उसके सेक्शन डिफाइन कर दी। इसी के बाद हम जाके कोई भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपको कोई गलत सेक्शन बन गया है तो आप उसको आसानी से यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6th का ए सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है डिफॉल्ट, क्योंकि ए की सेक्शन है हमारे यहाँ, तो ए वो डिफॉल्ट लेगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे तो अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। फिर स्कूल डैशबोर्ड में आप जाएंगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी स्कूल में आपने क्लासेस थे और आपके जितने सेक्शन थे तो एक एक सेक्शन यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10th में हमारे दो सेक्शन है, 9th में हमारे दो सेक्शन है, 11th और 12th में हमारे दो सेक्शन यहाँ पर बने हुए हैं। तो
इस प्रकार पूरा करने के बाद आप जाके ऐड रिकॉर्ड को ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे जब जाएंगे तो आप वन बाय वन किसी भी क्लास में डेटा भर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी बॉयज और गर्ल्स और टोटल डेटा भरने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही कैलकुलेट होता चले जाएगा। और बाद में आप रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि हमने कुछ रिकॉर्ड अपने स्कूल का भरा और ये अपने आप ही कैलकुलेट हो गया कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं और इनका टोटल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ये अपडेट हो रखा है, यहाँ पे अपडेट होता रहेगा जब आप रिकॉर्ड भरेंगे, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद या तीन घंटे बाद यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट होता जाएगा, ये तभी आपको ये नंबर्स यहाँ पर शो होंगे। तब आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये चार पाँच घंटे के बाद यहाँ पर शो होगा। अब एड स्टूडेंट्स, अब आपको आपने इतना रिकॉर्ड भर दिया, आप चाहते हैं इसके बाद में इसमें और रिकॉर्ड भरने, तो यहाँ पे ऐड में जाएंगे और यहाँ पे व्यू मैनेज में जाएंगे। तो ऐड स्टूडेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐड स्टूडेंट्स में इस प्रकार का ही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के सारे नाम और उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे इसके तीन पार्ट हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, इनरोल्ड डिटेल स्टूडेंट्स हो गया, और फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया। ये तीनों रिकॉर्ड भरना है और उसके बाद आप उसको सेव करेंगे, तभी वो रिकॉर्ड सेव होगा। तो अभी हम इसको बैक जाकर यहाँ पे देखते हैं कि हमने को कैसे रिकॉर्ड भरे। तो व्यू मैनेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी हमने सिक्स क्लास के कुछ ही बच्चों के रिकॉर्ड यहाँ पे भरे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीन आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन है, ये वाला रिकॉर्ड हमारा भर गया है, ये अभी रिकॉर्ड हमने नहीं भरा है और ये भी नहीं भरा है। जब तक ये दोनों रिकॉर्ड हम भरेंगे नहीं पूरा, तब तक हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, ये इन प्रोग्रेस दिखाएगा यहाँ पे। तो हमने जनरल इन्फॉर्मेशन तो भर दी है, इसकी इनरोलमेंट जो इन्फॉर्मेशन वो अभी नहीं भरी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ही यहाँ पर आपका कंप्लीट वो दिखाएगा। यहाँ से हम किसी भी बच्चे का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं और उसी रिकॉर्ड को यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेवन्थ क्लास है, इसमें हमने 12 प्लस एक 13 रिकॉर्ड भरे हैं। तो यहाँ पे हम व्यू मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, व्यू में देखिए यहाँ पे पूरा ग्रीन हो रखा है, ये कंप्लीटेड यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने ये रिकॉर्ड पूरा भर दिया है और ये इन प्रोग्रेस है, हमने भर तो दिया है लेकिन हमने अभी सेव नहीं किया है। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे कंप्लीटेड कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, आप यहाँ से इसको हमने रिकॉर्ड जो भरा यहीं से एडिट भी हो जाएगा। व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे ये एक स्टूडेंट्स है, उसका ये रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने इसका रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा भर दिया है। आप देखेंगे कि हमने इसका रिकॉर्ड यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन भी भर दिया है और इनरोल्ड भी भर दिया है और फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर भर दिया है। अब हमें इसमें कोई चीज़ एडिट करनी हो तो हमें बैक जाना होगा, हम बैक जाएंगे यहाँ पर और आप देखेंगे कि ये डिटेल आ गई, और हम फिर एक बार और बैक जाएंगे, उसके बाद फिर हम एक बैक और जाएंगे। तो यहाँ पे हम तीन बार पीछे चले गए, एक दो और तीन, यहाँ से हम कोई भी जानकारी आसानी से दोबारा उसकी भर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पर, जेंडर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मदर्स का नेम यहाँ पर आ गया, फादर्स का नेम। अब आपको जो इनका गार्जियंस का नेम है दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी को यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप बाहर आके क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। इसका मतलब यही वाला फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे और वो उसको वेरीफाई करेगा, अगर आधार नंबर गलत है तो आपको यहाँ पर एरर शो होगी। इसके बाद यहाँ पे दोबारा स्टूडेंट का नाम आपको लिखना होगा जो आधार से मैच करता हुआ हो, उसके बाद उसका एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा गया है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, तो आप इसको एक बार क्लिक यहाँ पे करिए और फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी ईमेल है, अगर जिन बच्चों का ईमेल नहीं होता है तो उसे भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके अंदर एक बार क्लिक करके बाहर आके क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये राइट हो जाएगा। मदर टंग, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो हमने 42 लिया है, हिंदी मोस्टली यहाँ हमारे इलाके में हिंदी बच्चे बोलते हैं,
तो यहाँ पे हम उसको ले लेंगे। सोशल कैटेगरी में यहाँ पे बहुत सारे डिफाइन दे रखे हैं, जर्नल एससी एसटी ओबीसी, तो हमने यहाँ पर उसका कैटेगरी भर दिया। माइनॉरिटी ग्रुप्स में यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, और नॉट अवेलेबल लिखा है तो हम नॉट अवेलेबल करेंगे। वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी लिखा है, यस और नो, आपको जो इसमें ऑप्शन है वो लिखेंगे। अगर हम यस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, तो नो करने पे ये ऑप्शन बंद रहेगा। तो जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, फिर आपको ये भरना होगा। इसके बाद ऐसी वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें भी हमने नो किया है। इसके बाद वेदर सीडब्ल्यूएसएन, अगर हम इसको यस करते हैं तो ये ऑप्शन हमें भरना पड़ेगा, ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए हमने इसको नो किया है। वेदर स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, तो इसमें यस आएगा। इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज ए आउट ऑफ द स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, इसमें यस और नो भरेंगे, तो हम यस यहाँ पे ऑप्शन को लेंगे। और यहाँ पर क्योंकि वो सेवन्थ क्लास में है, इसका मतलब पहले से पढ़ रहा, अगर वो सिक्स क्लास में होता तो करंट एकेडमिक ईयर आता, लेकिन वो सेवन्थ क्लास में, इसका मतलब पहले से पढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अब हमने देखा, हमने यहाँ पे कोई अगर चेंज किया उसके बाद अपडेट, जैसे हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यहाँ पे डेटा अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। आप ही नेक्स्ट में चले जाएंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडमिशन नंबर, मतलब आपको एसआर नंबर यहाँ पे देना होगा, और इसको बोलते हैं इनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट्स। अब आप इस ऑप्शन के बाद इस ऑप्शन में आ गए, उसके बाद थर्ड में आपको यहाँ जाना होगा, तो ये वाला पूरा स्टूडेंट प्रोफाइल भरने के बाद, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आ गया है। यहाँ पर हमने एडमिशन नंबर उसका डाल दिया है, ये एसआर, एडमिशन उसने कब स्कूल में लिया हमने डेट डाल दी, क्लास में उसका क्या रोल नंबर है वो हमने यहाँ पे भर दिया है। इसके बाद ये इसमें हायर स्टूडेंट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे, वो इस 2021 और 22 में करंट स्कूल में था, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन चुन लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, अदर स्कूल से नहीं था, इसी स्कूल में था, तो हम ये ऑप्शन चुन लेंगे। कौन से ईयर में था वो, हम सिक्स्थ में था, इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अपीयर हुआ था वो, यहाँ पे आएगा अपीयर नॉट अपीयर, पास हुआ था, क्योंकि 6, 7, 8 के बच्चे पास ही होते हैं, और प्रमोट और पास, यहाँ पे भी कई ऑप्शन है, तो इसमें प्रमोट ही आएगा, तो प्रमोट और पास हमने लिया। मार्क्स उसके पिछले साल कितने आए थे सिक्स क्लास में, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और सिक्स क्लास में जब वो था पिछले साल, तो उसका परसेंटेज, मतलब कितने उसने एकेडमिक ईयर में कितने दिन स्कूल रहा था अटेंडेंस, वो हमने यहाँ पर भर दिए। जब हम ये पूरा भर लेंगे तब हम यहाँ पे सेव ऑप्शन को चुनेंगे, तो हम जैसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, फिर ये बुझेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में आ गया, यहाँ पे हमें फिर डेटा भरना है स्टूडेंट्स का। आप देख रहे हैं यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड पूछ रहा है स्टूडेंट की, तो आपको यस करना है। यस में जो जो आपने अपने स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया उसको आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक्स हो गया, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री ट्रांसपोर्ट, बाइसाइकिल, फ्री हॉस्टल, फ्री स्कॉट, फ्री मोबाइल, ये जो जो आपके स्कूल वालों ने बच्चों को दिए होंगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्कॉलरशिप अगर आपके विद्यालय में किसी इस बच्चे को प्राप्त हुई है तो यस कर सकता है, सेंट्रल स्कॉलरशिप हो गई, स्टेट हो गई, अदर स्कॉलरशिप, अगर नहीं है तो आप सारे नॉन ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ रखा वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ए स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर किसी बच्चे में है तो यस या नो यहाँ पे करना पड़ेगा, और अगर आप यस करते हैं तो ये जो जितने भी ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे दे रखा है, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। इसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ए अस्थमा, अगर इस प्रकार का डिसऑर्डर किसी बच्चे में है तो आप यहाँ पे करेंगे नो, ऐसी ये पे है ना, ए डी एच डी, यहाँ पे भी नो हो गया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर किसी बच्चे में है तो आप यस और नो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड या टैलेंटेड चाइल्ड आपके स्कूल में है, अगर ये बच्चा जिसका आप रिकॉर्ड भर रहे हैं, क्या इसमें कोई गिफ्टेड कोई खूबी है तो यस आएगा, अगर गिफ्टेड खूबी नहीं है तो आप यहाँ पे नो भरेंगे। ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है, एक बच्चे की इंफॉर्मेशन है।
अगर आप यस भरते हैं तो फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि उसमें क्या टैलेंट है, मैथमेटिक्स का है, लैंग्वेज का, साइंस का, टेक्निकल, स्पोर्ट्स और आर्ट, ठीक है। फिर इसमें और ऑप्शन आएंगे जो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC और NSS या स्काउट और गाइड, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो यस, न तो नो। यहाँ पे करने के बाद आप सेव कर देंगे, जैसे आप सेव करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपने देखा कि उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कंप्लीट डेटा, तो कंप्लीट डेटा जैसे ऑप्शन आएगा आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो वो डेटा कंप्लीटेड हो जाएगा और इसको आप इस प्रकार कर लेंगे। अब यहाँ से हम जाके पीछे जाएंगे और यहाँ से हम अब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे ये तीनों डेटा कंप्लीट हो गए, पहले दो थे अब तीन हो गए। इसी प्रकार ये एक और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा हुआ, इसे कंप्लीट कैसे करें, तो यहाँ बैक जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट डेटा आ रहा है। हमने अगर हमें इसमें कोई चेंजेस करने तो हम अभी चेंजेस कर सकते हैं, बैक जाकर यहाँ पे हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। दोबारा हम सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे जाके कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे और ये बोलेगा डेटा कंप्लीटेड। फिर दोबारा पूछेगा तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे बैक जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड में और यहाँ चेक करेंगे व्यू मैनेजर में। यहाँ गए आप तो यहाँ देखेंगे अब ये चार हमारे कंप्लीटेड हो गए। इसी प्रकार आप इन सबको कंप्लीटेड करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपने पूरी क्लास का डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 क्लास को आपका डेटा अपडेट करके दिखाया, तो आप भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई किसी का डेटा, अगर कोई बच्चे का नाम कट गया हो और गलती से वो नाम चढ़ गया तो आप यहाँ से उसका रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। और आप इसी प्रकार हमारे साथ वीडियो में बने रहें, आगे भी अगर आपको किसी प्रकार की नई जानकारी की आवश्यकता होगी तो हम उसको बार बार आपको शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।